ये देखिए दोस्तों बनाना बोट, आप उसको लेके जाएंगे। हमारे एक्टर बहुत फिसल रही है, रोड और ख़राब होते जा रहा है, जैसे जैसे हम टक्कर डाल के नज़दीक जा रहे हैं ना। लास्ट टाइम में अगर मैं आया था ना इधर, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था यहाँ पे, मतलब मेरे बाइक का ऑलमोस्ट अगला टायर हाई में ही था दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ना पूरा पहाड़ गिरा हुआ है, रोड पूरा ख़राब है, पूरा बंदरों का कब्जा है रास्ते में, पूरी सड़क भरी पड़ी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज है 26 जनवरी, आज का मौसम बड़ा सही है, चार बजे धुंध पड़ी हुई है, डेली धूप निकली थी, आज धुंध पड़ी है। आज हमने घूमने का मूड बनाया था, तो हमारा मूड था सवेरे 10 बजे जाने का, आज निकलते निकलते 12 बज चुके हैं, 12:30 हो गए। तो हम अभी जा रहे हैं मोरनी हिल्स, और तब तक आप मैं आपको चंडीगढ़ के व्यू दिखाता हूँ कैसे हैं। ये देखिए चंडीगढ़ रोड, यहाँ थोड़ा हल्की गिली सी दिख रही है आपको, कल रात को हल्की हल्की बारिश हुई थी। अरे चौक, सेक्टर 4 का चौक है ये, और सामने लगे हुए कैमरे। ओ अभी हम हैं सेक्टर 26 के बैक साइड रोड पे हैं। ये देखिए आप मौसम कितना सही हो रखा है। जा रहे हैं एक छोटे से हिल स्टेशन जो हरियाणा में है, मोरनी हिल्स। तो दोस्तों सफ़र करने का मज़ा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आज मैं पीछे बैठ के आराम से जाऊँगा, आज मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ ना इसलिए, क्योंकि आज मैंने ड्राइवर रखा हुआ अपना एक दोस्त को जो हमेशा मेरे पीछे बैठता था, आज मैं वो अपने आज वो स्कूटी चला रहा है। बाइक नहीं चलानी पड़ रही तो बड़ा आराम मिल रहा है आज, तो बाइक चलाने में ना जो पेट की हालत होती ना पूरी हालत ख़राब हो जाती पेट की। तब तक आप आगे का व्यू देखिए और मौसम देखिए कैसा है। पंचकूला में एंटर कर चुके हैं, जरा पंचकूला का बोर्ड, वेलकम टू पंचकूला। अगले चौक से हम लेफ्ट ले लेंगे, फिर हम सीधा जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। एक फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर के नीचे से हम निकल जाएंगे सीधा। दोस्तों यहाँ से जो लेफ्ट जाएगा वो कालका शिमला, राइट को जाएगा ये आपका जीरकपुर, और सीधा जाएगा ये मोरनी हिल्स, और सीधा अगर ज़्यादातर हो गए तो देहरादून पहुँच जाएगा। जब मैं देहरादून जॉब करता ना तो मैं इसी रास्ते जाता था देहरादून, फोन बाइक या स्कूटी पर। ये रहा वो फ्लाईओवर, हमें जाना सीधा एकदम। ये देखिए मिट्टी का पहाड़ पूरा, यहाँ से अभी हम पहुँचने वाले हैं रामगढ़ से पहले ना एक अभी एक बड़ा सुंदर था ना, एक बहुत फेमस सुंदर और फेमस एक गुरुद्वारा आता है नाटा साहिब, वो शायद अभी नज़र आएगा हमें। ये रहा वो नाटा साहिब गुरुद्वारा है, ये एरिया काफ़ी डेवलप हो चुका है, पहले यहाँ कुछ नहीं होता। आप देखिए बिल्डिंगें बन गई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक गांव है, इसलिए हमें यहाँ से लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा। ये रहा मोरनी का रास्ता, यहाँ से बड़ियाल 31 मोरनी है 31 और मांदरा 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हिली एरिया शुरू हो गया, अब यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका है, और रास्ते में बंदर बहुत है रास्ते में, आपको बंदर दिखाता हूँ मैं रास्ते में, अगर अभी यहाँ पे होंगे तो। पीछे बहुत सारे थे, वो देखिए रास्ते में भाग रहे हैं, ऐसे पूरे रास्ते को बंदर बंदर बहुत दिखेंगे आपको।
ये मेरे छोटे छोटे बंदर, ये पेड़ भरा हुआ पूरा बंदरों से। देखो भैया दो बंदर ही बंदर दिख रहे हैं, पूरा बंदरों का कब्जा है इन रास्तों में, पूरी सड़क भरी पड़ी है। ये देखिए पूरे बंदरों ने कब्जा कर रखा है पूरे रास्ते पे। ये देखिए इतने बंदर मैंने लाइफ में एक साथ नहीं देखे कभी, आज पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए पूरा झुंड आ रखा है इनके रास्ते में, आगे और भी है। यहाँ पर बड़ी सुंदर सी धूप खिल चुकी है, अब थोड़ा सही हो गया मौसम। चंडीगढ़ में बहुत बुरी तरह धुंध पड़ी हुई थी, ठंड से हालत ख़राब थी, तो यहाँ पर अच्छी धूप निकली है, अब निकल गई है। यहाँ से मोरनी रह गया है 20-22 किलोमीटर रह गया है। यहाँ के व्यू देखिए आप, रोड बहुत ही सुंदर है पर सुनसान रोड है। मुझे लग नहीं रहा कि हम दो के अलावा यहाँ पे और कोई है, आगे एक गाड़ी जाती रही है। यहाँ पे हम दोस्तों, हम यहाँ पे एक जगह रुके थे, मेरे को यहाँ पे बड़े सुंदर खेत नज़र आए, तो आपको दिखाता हूँ सुंदर सुंदर खेत। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ये रहा पूरा सरसों का खेत है शायद, ये कितना प्यारा व्यू आ रहा है इनका। यहाँ पे एक शॉप थी, हमने यहाँ से कुछ सामान लिया खाने पीने का, स्नैक्स नक्स ये दिखाई दिया, तो दिखाने के लिए आ गए दोस्तों। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर व्यू है जंगल के बीच में, और यहाँ कितने सुंदर सुंदर चिड़ के पेड़ है, और यहाँ थोड़े छोटे छोटे रिजॉर्ट बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ ठंडा लगना शुरू हो चुका है, अभी तक थोड़ा नीचे थे था वहाँ धूप थी, यहाँ थोड़ी धूप कम है, बस यहाँ तक पहुँच नहीं रही, बस पेड़ों के कारण ना यहाँ धूप नहीं पहुँच रही है यहाँ तक। और व्यू देखिए हम अभी मोरनी क्रॉस कर चुके हैं, मोरनी में दिखाने लगे कुछ था नहीं, जिसमें कुछ वहाँ पर वीडियो बनाई नहीं मैंने। अभी हम मोरनी से आगे जा रहे हैं टिक्करताल की तरफ, जो हमारा मेन जहाँ हमें जाना था, जाना है मतलब। और यहाँ मोरनी क्रॉस करते हैं, यहाँ थोड़ा ऑफ रोड आ गया, यहाँ रोड मतलब पक्का है नहीं, बन रही है अभी शायद वो रोड। रोड और ख़राब होते जा रहा है जैसे जैसे हम टिक्कर ताल के नज़दीक जा रहे हैं ना, अब तो मिट्टी वाला रोड आ गया है। ये देखिए पूरी ढलान टाइप की है नीचे कुछ, यहाँ हमें आराम से चलानी पड़ेगी स्कूटी। जब लास्ट टाइम मैं घर पर आया था ना इधर, तो मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था यहाँ पे, मतलब मेरे बाइक का ऑलमोस्ट अगला टायर खाई में ही था, और मेरा क्लच टूट गया था उस टाइम, मतलब हाँ क्लच एक टूट गया था। फिर वो तो किस्मत अच्छी थी, हमने वहाँ पे नैड लॉ लिया के थोड़ी जो शॉप मिल गई थी। ये देखिए कितनी खतरनाक ढलान है यहाँ, मतलब बाइक अब 10-15 से ऊपर भगाए चला ही नहीं सकते मतलब। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ना पूरा पहाड़ गिरा हुआ है, रोड पूरा ख़राब है, यहाँ जाम लगा हुआ है, पहाड़ काट के यहाँ रोड बना रहे थे, क्या कर रहे थे, यहाँ पूरा पहाड़ नीचे आ गया जिसके कारण जाम लग गया, मुझे उतर के चलना पड़ रहा है। तो हम टिक्करताल पर पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे एक गांव पड़ रहा है और उसके साथ एक छोटे सी ना एक लेक टाइप के, सीधा जाना होगा, लेक भी नज़र आ रही है। एक बहुत कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे, जब हम पहले आए थे मतलब तब से मुझे कुछ अलग लग रहा है। देखिए
इतने सुंदर खेत है, ग्रीनरी पूरी है इतनी ठंड में भी। दोस्तों हम आ चुके हैं एडवेंचर पार्क और देखते हैं अंदर जाके कि क्या है इसके अंदर। अंदर मेरी सी मेन एंट्री, सामने टिकट काउंटर आ गया। ये कितने की टिकट है? 2 टिकट देना। कितनी है? 50 का होगी। ये भी 2 बंदों का टिकट 100 रुपये की। हेलमेट रख दिए कहीं? हेलमेट रख दिया, रख देते हैं, छोड़ रख दो, वहाँ रखो, रख दो, कोई नहीं। यहाँ काफ़ी अंधेरा है। अब हम पहुँच चुके अंदर, ये एडवेंचर पार्क, देखते हैं क्या क्या एडवेंचर है यहाँ करने के लिए। ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए। बसें लटकने के लिए ये है, और ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या है। अरे यहाँ एक छोटा आपको बना रखा कुछ मेरा, मतलब बच्चों के लिए है ये देखिए। और ऐसे ऊपर भी है, बच्चों के लिए अच्छी जगह है। ऐसे लोग ऊपर जा रहे हैं, टॉप में पहुंच के आपको यहाँ पे क्या है ऊपर, यहाँ देखते हैं ये पहाड़ का शायद टॉप है ये, यहाँ पे देख लेते हैं और क्या है। फिर निकलते हैं यहाँ से भी हम, ऊपर एक मचान है जहाँ लोग चढ़े हुए हैं, कुछ यहाँ से आ रहे हैं ऊपर। ये वो देखने लायक, मतलब कुछ खास लगा नहीं मुझे यहाँ ऐसा देखने लायक। अब हम जाते हैं सीधा टिकरताल लेक पे, और टिकट भी काफ़ी कॉस्टली है 50 रुपये। चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है इतना सुंदर है, उसकी टिकट 25 रुपये है। इन्होंने रेट बढ़ा रखे बहुत ज़्यादा। चल भैया लेक कहाँ पे है? लेक आगे थोड़े आगे है, चलो आगे। पेट्रोल की दुकान है, यहाँ पेट्रोल मिलेगा भैया कहीं दुकान पे आगे? हमने यहाँ पे गलती कर दी, हमने अपने एक्टिवा में तेल फुल नहीं कराया, तो कभी भी बंद हो सकती है। और यहाँ रोड देखिए स्लिपरी हो रखा है, पूरा कीचड़ से ख़राब हो रखी है रोड, और स्लिप कर रही है एक्टिवा जंगल के बीच में अभी। हमारी एक्टिवा बहुत फिसल रही है। और फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं टिकरताल के बाहर, जो आप सामने गाड़ी देख रहे हो ना, पार्किंग है, पार्किंग के साथ बड़ी सी एक लेक है। और रोड की हालत देखो कितनी बेकार है, देखिए। तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है एक्टिवा, तो चलो फिर हम अभी कहीं पे हम एक्टिवा खड़ाते हैं और फिर आपको यहाँ के व्यू दिखाते हैं, यहाँ पे क्या है कैसे कैसे है।
तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं टिकरताल, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसे है। अब यहाँ से कहाँ को जाना है देखते हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, ये बहुत ही सुंदर है। अब यहाँ से चलते आगे को, ये देखिए कितनी आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ फूल देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं। और ये रहा मतलब पहाड़, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में एक लेक है। यहाँ पे इस साइड हो रही है बोटिंग, आपको शायद इससे नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा करीब जाके दिखाते हैं। देखिए एक बार ऊपर जाके देखते हैं वहाँ पे, वहाँ चलो वहाँ पर चलते हैं। ये देखिए देखना दोस्तों, ये आ रही है एक मोटर बोट। ये तेरी कितना सही, ये देखिए दोस्तों बनाना बोट, अब इसको लेके जाएंगे। यहाँ टू सीटर जो बोट है उसका रेट है दो बंदों का 280 रुपये, 200 रुपये सिक्योरिटी रखेंगे आपसे 30 मिनट के लिए। 4 सीटर का है 400 रुपये, 200 रुपये सिक्योरिटी, 600 रुपये हो जाएगा टोटल 30 मिनट के लिए। जो रोइंग बोट है 600 रुपये पूरा, 200 800 रुपये और 30 मिनट के लिए। और मोटर बोट है 700 रुपये और 200 रुपये सिक्योरिटी 10 मिनट के लिए। और यहाँ कैंपिंग के लिए भी है। ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी और यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ देखिए मतलब बेस्ट पिकनिक स्पॉट भी है ये, यहाँ सारी फैमिली आ रखी है। ये देखिए यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे एक ऊँट भी है बताओ मेरा। और यहाँ छोटी सी टॉय ट्रेन भी है बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए काफ़ी है यहाँ पे खेलने कूदने लायक। तो दोस्तों इसी साथ आज के व्लॉग में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय।